नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड सौरव और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी। आज हम लोग आए हैं नोएडा एक्सटेंशन, जिसको हम ग्रीनो वेस्ट भी बोलते हैं, और जो हम आज प्रोजेक्ट कवर करने वाले हैं उसका नाम है कोको काउंटी, जो कि पड़ता है सेक्टर 10 नोएडा एक्सटेंशन। प्रोजेक्ट की जो कनेक्टिविटी है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। हम खड़े हैं नोएडा लिंक रोड पे, जो नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड है, जिसकी ब्रेथ है 130 मीटर और ये सीधा गौर चौक से आता है। जैसे पीछे देखेंगे तो इसी वैसिनिटी में करीब करीब 5-6 स्कूल्स हैं, जो अगर आप यहाँ पे फ्लैट खरीदते हैं तो फ्यूचर में आपके लिए इम्पोर्टेंस रखेगा। जो स्कूल्स हैं वो है द इन्फिनिटी स्कूल है, श्री राम ग्लोबल स्कूल है, BLS वर्ल्ड स्कूल है, और बहुत सारे स्कूल्स हैं जो फुल्ली ऑपरेशनल हैं। सो गाइस, लेट्स कम, अब हम अगले गोल चक्कर पे चलते हैं, फिफ्थ गोल चक्कर पे, और आपको मैं कनेक्टिविटी भी दिखाता हूँ और साथ साथ प्रोजेक्ट के बारे में और काउंटी ग्रुप के बारे में थोड़ा सा। हेलो गाइस, काउंटी ग्रुप इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड ग्रुप इन नोएडा। इन्होंने जो भी प्रोजेक्ट्स अभी तक डिलीवर किए हैं वो सब ऑन टाइम किए हैं एंड विद वन ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ किए हैं। अगर हम शुरुआत करें इंदिरापुरम से तो वहां पे इनका ऑरेंज काउंटी है, फिर आ जाते हैं नोएडा में सेंटर में तो सेक्टर 121 में इनका क्लियो काउंटी है। उसके बाद अगर हम नोएडा एक्सटेंशन की बात करें तो चेरी काउंटी है इनका। तो हर लोकेलिटी में इनके प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं जैसे आईवी काउंटी और नोएडा 107, और नेक्स्ट इसका जो प्रोजेक्ट आ रहा है कोको काउंटी। सो गाइस, अब मेट्रो की बात कर लेते हैं, जो फिफ्थ राउंड अबाउट है इस पे आपका फ्यूचर में जो नोएडा से एक्सटेंड होके मेट्रो आ रही है 52 से सीधा पहले गौर चौक पे आएगी, तो यहाँ भी आपका एक मेट्रो स्टेशन होगा जो कि कोको काउंटी से फ्यूचर में होने वाला है, सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे 200 मीटर में। अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ की जो ये सेक्टर है इसकी स्पेशलिटी और इसकी कुछ अच्छी बातें, जैसे कि इसके जस्ट सामने 1 किलोमीटर में नॉलेज पार्क 5 बन रहा है ग्रेटर नोएडा का। बाकी सारे नॉलेज पार्क डेवलप है जैसे आपको पता होगा, जो कि इंस्टीट्यूशनल हब है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन नॉर्थ इंडिया। उसके बाद अगर हम बात करें दादरी की, तो वहां पे दादरी जंक्शन बन रहा है जो कि यहां से सिर्फ 8 से 9 किलोमीटर है, और दादरी जंक्शन में आपका एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी होगी फ्यूचर में, आपका रेलवे से कनेक्टिविटी होगी, और जैसे हमारा अभी आनंद विहार है दिल्ली में, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे एक बड़ा जंक्शन बन रहा है जहां से आपको बस ले सकते हैं, ट्रेन ले सकते हैं और मेट्रो ले सकते हैं फ्यूचर में। सो फ्रेंड्स, अब हम फिफ्थ गोल चक्कर पे पहुंचने वाले हैं और सेक्टर जो है 10 वो शुरू हो चुका है। जैसे कि आप मेरे लेफ्ट में देखेंगे तो काफी रिनाउंड बिल्डर्स जो है नोएडा के, वो इस सेक्टर में अभी प्रेजेंटली अपने टाउनशिप्स लेके आ चुके हैं, ऑलरेडी काफी उनका काम हो भी चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला प्रोजेक्ट, ये है माहगुन का मंत्रा, इसके नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है ये है ATS का हैप्पी ट्रेल्स, और भी जो रिनाउंड बिल्डर्स है नोएडा में जैसे कि आपका अरियंत हो गया और सिक्का हो गया, जो भी बिल्डर्स है उन सबके प्रोजेक्ट सेक्टर 10 में लाए करते हैं। तो गाइस, फाइनली हम फिफ्थ गोल चक्कर जो है उस पे पहुंच चुके हैं, जिसको बोला जाता है श्री राजेश पायलट चौक भी। और अगर आप मेरे सामने देखेंगे तो एक प्रोजेक्ट है SKA का, जिसमें अभी करेंटली काफी सारी फैमिलीज जो है ऑलरेडी शिफ्टेड है, रेडी टू मूव इन है, और यहाँ तक भी पॉपुलेशन आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसी गोल चक्कर से हमें लेफ्ट लेना है, जैसे मैं आपको पहले बताया था, मैंने लेफ्ट लेके 200 मीटर चलना है। जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कंस्ट्रक्शन जो है वो फुल स्विंग में है, अच्छे लेवल का माइवन से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और इस पे सिर्फ 3 टावर बन रहे हैं जो मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ मॉडल पे। तो चलिए चलते हैं मॉडल की तरफ। सो फ्रेंड्स, हम लोग मॉडल पे आ चुके हैं, मैं अभी आपको एलिब्रेट करता हूँ पूरा मॉडल। जो टोटल लैंड पैच है वो 4.5 एकड़ का है, और ये 3 साइड ओपन प्लॉट है। जो इसका मेन रोड है जहाँ से हम अभी आए हैं, दैट इज 80 मीटर वाइड रोड। सो गाइस, 80 मीटर रोड के बगल में आप जो देख रहे हैं ये हमारी 50 मीटर वाइड ग्रीन बेल्ट है। सेम अगर हम पीछे की बात करें, यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं रोड 24 मीटर रोड है इसके इस साइड और दूसरी साइड भी, तो 3 साइड ओपन जो है ये प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के पीछे की साइड जो है वो 100 मीटर की ग्रीन बेल्ट है। अगर प्रोजेक्ट की पूरी लेआउट की बात की जाए तो इसमें सिर्फ 3 टावर हैं, टावर A, B and C, जिसकी हाइट जो है वो ग्राउंड प्लस 23 है सबकी। और सबसे अच्छी बात जो है प्रोजेक्ट की वो ये है, पूरे प्रोजेक्ट में जितनी भी इन्वेंट्रीज हैं वो सारी की सारी इन्वेंट्रीज का सिर्फ एक ही साइज है, जो कि है 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट। सो गाइस, इसका जो फ्लैट का साइज है दैट इज 1152 स्क्वायर फिट, और एक ही साइज है जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे तो इसकी 2 एंट्री एंड एग्जिट्स हैं, एक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि, और एक बैक साइड की तरफ है। अगर इसकी हम पूल की और क्लब की बात करें तो दैट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट इन दिस सेक्टर, जो कि लैंड पैच में है इस प्रोजेक्ट के।
और 75% जो एरिया रहेगा पूरी टाउनशिप का, दैट विल बी योर ओपन ग्रीन एरिया। अगर अदर एमिनिटीज की बात करें तो आपको इसमें हर एक वो चीज मिलती है जो एक अच्छी सोसाइटीज में मिलती है, जैसे कि किड्स प्ले एरिया हो गया, आपका आउटडोर स्पोर्ट्स हो गया, एल्डर सिटिंग एरिया हो गया, अपना ग्रीन एरिया हो गया। सो गाइस, अगर हम प्राइस की बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 42 लाख एंड गोज अप टू 46 लाख, और ये इसी के बीच में आपको इसमें सारी इन्वेंट्रीज मिलती हैं फ्लोर वाइज, जो मैंने आपको प्राइस रेंज बताई। सो गाइस, अगर हम आपको इसकी साइट दिखाएंगे, सो लेट्स कम। सो गाइस, अब हम आपको एक अंडर कंस्ट्रक्शन सेमी फ्लैट का थोड़ा सा एरिया का आइडिया देने वाले हैं। सो आइए मेरे साथ प्लीज। ये हम जैसे ही इसमें एंट्री करते हैं तो इसका लिविंग प्लस डाइनिंग का एरिया है जो कि है 10x15 का, 3 BHK है जैसे मैंने आपको पहले बताया, 3 BHK 2 टॉयलेट, 1152 का ये साइज है। इसमें आपको 3 बालकनी मिलती हैं दोनों बेडरूम्स के साथ और ये कॉमन एरिया के साथ। ये इसकी आपका किचन का एरिया है, काम अभी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन अभी फुल स्विंग में चल ही रहा है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये इसका पहला बेडरूम आ जाता है जिसका अगर साइज की बात करें तो साइज इसका 10x10 का है, और इसमें और अगले बेडरूम में जो हमारी बालकनी है वो कनेक्टेड रहेगी, उसका भी व्यू आप एक बार ले लीजिए। सो दिस विल बी योर बालकनी। नाउ दिस इज द सेकंड बेडरूम जो कि 10x10 में है, और आपको वार्डरोब की इसमें अलग से स्पेस प्रोवाइड कराई गई है। इसमें आपका अटैच जो है वो बाथरूम भी है इसके साथ, इस वाले रूम के साथ। This will be your second washroom and this will be your master bedroom. जो दोनों bedrooms थे that will be 10x10. ये वाला जो bedroom है आपका, ये होगा आपका 11.5x10 का, जिसके साथ भी आपको एक balcony मिलती है। So आपको total flat में 3 balcony मिलती हैं, 3 bedroom मिलते हैं और उसके साथ 2 toilet मिलते हैं। तो गाइस, आप जैसे इसकी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं फुल स्क्रीन में चली रही है, और माइवन पे जो है ये बन रहा है पूरा प्रोजेक्ट। माइवन इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसमें लीकेज सीपेज की प्रॉब्लम बहुत ही मिनिमम आती है या आती ही नहीं है। अगर आप पूरे प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू लें तो आप देख सकते हैं अभी फुल स्विंग में काम चल रहा है, और काफ़ी अच्छे अमाउंट में जो लेबर्स हैं अभी इसमें काम करने में लगे हुए हैं। ये जो आप अभी एरिया देख रहे हैं कैमरे में, दिस विल बी योर क्लब हाउस एंड स्विमिंग पूल एरिया। गाइस, हमने आपको इसकी कनेक्टिविटी भी बता दी और पूरा प्रोजेक्ट एक बार दिखा दिया है पूरा। मैं आपको इसका थोड़ा सा चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे कि इसकी सेल्स अगर आप कोविड के बाद देखें नोएडा एक्सटेंशन का, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोजेक्ट। इसमें जो टावर ए है उसमें जितनी भी हमारी इन्वेंट्री है, लगभग 250 इन्वेंट्री है, उनमें से 90% इन्वेंट्री अर्न सोल्ड आउट इन द स्पैन ऑफ 45 डेज। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द बिल्डर जो है दैट इज ऑफ वेरी रिनाउंड नेम, एंड इनकी जो कमिटमेंट्स रहती हैं वो कभी फेल नहीं होती। अगर आप कोई भी इनका पुराना प्रोजेक्ट है वहाँ पे जाके देखते हैं तो उसका जो रीसेल वैल्यू रहती है वो उस एरिया की टॉप नॉच रहती है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे रिटर्न देने वाला है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा इसी बिल्डर के बारे में, इसके जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं जो लॉन्चिंग में रेट रहता है और जो डिलीवरी पे रेट रहता है वो 2 folds का उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो गाइस, अब इसकी बात कर लेते हैं हम पेमेंट्स की। जो इसका पेमेंट प्लान होगा दैट विल बी 25 25 50। अभी आपको 25% देना होगा, 25 जब इसका सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, एंड 50% विल बी ऑन द पोजीशन। दूसरा, अगर मैं इसकी डिलीवरी की आपको बात बताऊं तो दैट विल बी इन मिड ऑफ 2023। आपको हमने कोको काउंटी के बारे में मैक्सिमम जितना हमसे हो सकता है पूरा एलोबरेट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फर्दर भी आपकी कोई क्वेरी हो, आप इसमें अपना रहने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अपना फ्लैट खरीदना चाहते हो, सो डू कॉन्टैक्ट अस। कैप्शन में और डिस्क्रिप्शन में एज ऑलवेज हमारे नंबर्स होते हैं, सो यू कैन मेक योर क्वारी, यू कैन विजिट, वी विल प्रोवाइड यू एवरी इन्फॉर्मेशन विच इज अवेलेबल। सो गाइज, लास्ट में मैं जो हमेशा बोलता हूँ वही बोलना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक द चैनल।